सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। वैसे हमारे सौरभ दुबे जी है, इनका क्वेश्चन है शुड आई बाय सेकेंड हैंड यूनिकॉर्न 150 इन 40K। और जो उसकी जो वैल्यू इन्होंने बताया है वो 40K है। मॉडल जो है 2013 का मॉडल है एंड जो किलोमीटर जो चले हैं वो 28,000 किलोमीटर चले हैं। पहली बात सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है। मैंने 2012 की गाड़ी ली थी और लगभग वो भी 30 से 40 हज़ार किलोमीटर के बीच में चली थी। बट क्या होता है ना कि एक गाड़ी की एक लाइफ होती है। मतलब ये आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस शायद आपके साथ ना हो, बट मैं आपको इस वीडियो में ऐसे सजेशंस दूंगा जो शायद आपकी हेल्प करे एक सेकेंड बाइक लेने के टाइम पे सोचने के लिए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बाइक ली है, और एक ना होता है बाइक की एक लाइफ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंजन, और उसके बाद आता है सस्पेंशन हो गया, चैन हो गई, और कोन सेट हो गया, स्विंग आर्म हो गया, ऐसी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी एक लाइफ होती है। स्विच की एक लाइफ होती है, वायरिंग की एक लाइफ होती है। नो डाउट होंडा का इंजन बहुत अच्छा है, बहुत बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है। बट क्या होता है ना सौरभ जी, जैसे ही आप गाड़ी जब लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं या फिर, तो क्या होता है सेकेंड हैंड ना सेकेंड हैंड होती है, तो उसमें ना आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चांसेस आते ही हैं, अगर आप लकी होंगे तो शायद आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम्स आती है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं, इसीलिए तो सामने वाला बेच रहा है। तो जैसे कि अगर मैं पूरा यूज़ कर लूँगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, उस गाड़ी को सर्विस करवाऊँगा और उसे मैं सेल आउट कर दूँगा। और अगर आप ऐसी गाड़ी लेते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसी बाइक्स के अंदर आपको फिर से खर्चा करना पड़ेगा और आपको नहीं पता कि कौन सा पार्ट्स ख़राब है। क्योंकि जो सामने वाला जब बेचता है तो वो हमेशा गाड़ी को रिपेयर करके बेचेगा, तो आप बता नहीं पाएंगे गाड़ी की हिस्ट्री कि गाड़ी क्यों बिक रही है, क्या रीज़न है मेन उस चीज़ का। तो ये एक पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप 30-40 हज़ार डाल ही रहे हैं तो उतने का आप लोन भर लीजिए, आप गाड़ी लोन पे ले लीजिए, तो डाउन पेमेंट हो जाएगा। तो क्या होगा, एक गाड़ी आपको नई मिल जाएगी। ज़्यादातर क्या होगा कि आप हर महीना एक EMI भरेंगे, हर महीना उस गाड़ी में पैसे डालने से बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी में EMI भरे और आप उस गाड़ी को लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करें। देखिए, लेकिन इसका एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर वो गाड़ी आपके कोई फ्रेंड सर्कल में बेच रहा है या फिर आप उस ओनर को अच्छे से जानते हैं कि इनका यूज़ कैसा था, या फिर आपने उस गाड़ी को स्टार्टिंग से देखा है, जैसे आप कह रहे हैं 2013 से आपने इस गाड़ी को देखा है, तो मतलब आप उस गाड़ी के इर्द गिर्द होने चाहिए, तब जाकर के वो गाड़ी आपको एक अच्छी समझ में आएगी। वरना क्या होता है ना, ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैंने भी बीच में यूनिकॉर्न मुझे चाहिए थी, बिकॉज हमारे घर पे एक और यूनिकॉर्न है जो पिताजी यूज़ करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिज़ी रहते हैं, उनके काम के लिए उस गाड़ी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने एक और यूनिकॉर्न मेरे लिए खरीदी थी जो मैं सिटी के लिए यूज़ करूँ। बट जब जैसे ही उसे मैं थोड़ा लॉन्ग राइड के लिए लेके जाना चालू किया, थोड़ा सा दूर गया, 100 किलोमीटर लेकर के गया, तो गाड़ी में कुछ ना कुछ कमियाँ दिखने लगी, तो फिर मुझे खर्चा करना पड़ा। और क्या होता है, ये खर्चा हर बार आप करना पसंद नहीं करेंगे। देखिए, गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि मतलब एक गाड़ी की एक लाइफ होती है, हर एक पार्ट की एक लाइफ होती है। तो मेरा सजेशन है कि 30-40 हज़ार का डाउन पेमेंट, थोड़ा सा और डाल के डाउन पेमेंट करके गाड़ी ही नई ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, आपके पास कम से कम 8 से 10 साल तक के लिए वो गाड़ी एक अच्छी वैल्यू भी आपको देगी। और यूनिकॉर्न बहुत अच्छी गाड़ी है, नो डाउट, डिपेंड करता है आपका यूज़ क्या है। अगर आप लॉन्ग राइड के लिए लेना चाहते हैं तो यूनिकॉर्न में सजेस्ट नहीं करूँगा, बट बाकी अगर आप लोग ऐसा लेना चाहते हैं सिटी राइड, हाईवे राइड, या फिर अगर आप नॉर्मल कभी कभी करते हैं, तो आपके लिए यूनिकॉर्न बहुत अच्छी गाड़ी होगी। तो प्लीज़ इस सजेशंस को कंसिडर करिएगा। आप दूसरी मार्केट में और भी देख सकते हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में उस गाड़ी को बेच रहा हो या फिर कोई आपके पहचान में बेच रहा हो तो आप वो गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अननोन से ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करके 100 बार देख करके लीजिए, बिकॉज कभी कभी आप फंस सकते हैं। सेकेंड हैंड गाड़ियों का मार्केट बहुत अजीब होता है, और एक गाड़ी की लाइफ भी होती है, वो चीज़ें बहुत होती है, और ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है। मतलब आप भी जानते हैं कि 2013 की गाड़ी उस वक्त में लगभग 60-70 की बिकती थी, 70-80 की उस वक्त में वो गाड़ी बिकती थी, शायद मैं अप्रॉक्सीमेटली, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। तो 70-80 की गाड़ी अगर कोई लगभग 9 साल चलाने के बाद अगर आपसे उम्मीद करे कि आप उसके 40 हज़ार दें, मतलब 50%, नो डाउट वैल्यू तो बहुत अच्छी वो मांग रहा है, बट आई विल सजेस्ट कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। आप मार्केट में देखिए, कोई और गाड़ी ले लीजिए लो बजट में और उसको फिर खर्चा करवाइए, या होंडा में ऑफिशियली दे करके, तो वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब आप क्या करिए, 20 से 25 हज़ार की यूनिकॉर्न खरीदे, 2012-13 की 20 से 25 हज़ार में मिल जाएगी, थोड़ी कंडीशन डाउन होगी, और उसके ऊपर लगभग 15 से 20 हज़ार का खर्चा करिए, तो आपको कम से कम कैसा हो जाएगा कि आपको पता तो चल जाएगा कि मैंने ये पार्ट चेंज करा है, इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मेरी तरफ से यही एक सजेशन होंगे।
और अगर आप लोग बाकी लोगों के पास ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो मैं ज़रूर उसके ऐसे वीडियोस बना करके आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद।